हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक तो क्या है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें ओनली मेरी आपको ऑडियो ही सुनाई देगी, स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है ना। तो इसमें क्या है, देखो अपने जो सार्थक फैक्ट्स देखे थे, सार्थक फैक्ट्स पहली फाइल में दो अपन में देख चुके हैं, उससे एडिशनल कुछ ही अपने सार्थक फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला क्या, आपने ये वैसे क्लब किए हुए हैं, ठीक है ना, क्लब किए हुए हैं जैसे अपन ने पहले देखे थे उसी हिसाब से अपन देख रहे हैं वापस, जैसे अपन ने पहले देखे थे उसी हिसाब से क्लब है ये, ठीक है ना। तो पहले तो जैसे अपन ये इंट्रोडक्शन वाले हैं, एक हैंडीक्राफ्ट का फिर इंट्रोडक्शन है ना। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये इंट्रोडक्शन के चल रहे हैं यहाँ। फिर मेवाड़ का एडिशनल कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। देन अपने मारवाड़ के हैं कुछ क्वेश्चन नए, मतलब नए इन द सेंस कि वो कुछ और मेरे को मिले तो मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर ये जयपुर के हैं अपने और बूंदी, ठीक है ना। फिर ये कुछ एक साथ क्लब हैं, जैसे टेक्स्ट कुछ एक साथ किए हैं, कुछ पेंटर्स के जो क्वेश्चन है वो एक साथ है ना। ऐसे करके ये 3 पेज के अंदर ये अपन एडिशनल मैटर इसमें देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ओके। सार्थक फैक्ट्स के रूप में है पूरा ये। तो सबसे पहला अपन इंट्रो क्वेश्चन देखते हैं, राजपूत राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी। तो अपने ए के स्वामी, मैंने बताया था ए के 47 नहीं, ए के स्वामी आनंद कुमार स्वामी। तो राजपूत पेंटिंग नाम से इन्होंने किताब लिखी 1916 में। कई बार ये भी पूछा जाता है राजपूत पेंटिंग नामक किताब किसने लिखी, तो आनंद कुमार स्वामी। किस वर्ष लिखी, तो 1916। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्र शैली विशिष्ट रूप से भारतीय है, यह किसने कहा। तो ये लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, ठीक है ना। जैसे अपन ने देखा था, जैसे मैं आपको बताऊं, अपन ने देखा था, देखो ये इंट्रो वाली फाइल के अंदर, यहाँ अपन ने देखा था, क्या देखा था इंट्रो वाली फाइल में अपन ने, कि वैज्ञानिक अध्ययन तो आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। राजपूत शैली कहा था डब्ल्यू एस ब्राउन ने, राजस्थानी शैली कहा था राय कृष्ण दास ने, और हिंदू चित्रकला कहा था एन सी मेहता ने। अब इसमें आपने एक और जोड़ दिया कि भारतीय चित्रकला, मतलब राजस्थानी चित्रकला को भारतीय चित्रकला किसने कहा है, तो कौन अपने लॉरेंस विलियम्स ने। तो कहने कैसे याद रखना अपन को, जैसे लॉरेंस मतलब लड़के जीती थी, लड़के विन की थी भारत ने लड़ाई, भारत ने जो अपना स्वतंत्रता संग्राम है तो लड़के जीता, तो लड़ से तो क्या लॉरेंस, और जीता को विन, विन से विलियम्स, तो लॉरेंस विलियम्स, ऐसे याद रखना आप लोगों, ठीक है ना। ये है तो भारतीय चित्रकला की भारतीय है, विशिष्ट रूप से भारतीय है, ये किसने कहा अपने लॉरेंस विलियम ने, ठीक है। तो लड़ाई विन करी, भारत ने लड़ाई विन करी, तो लड़ाई से लॉरेंस और विन से विलियम। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कब है, ये 15वीं मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी, 17वीं 16वीं नहीं 17वीं 17वीं सेंचुरी। जैसे मैंने बताया था उद्गम है वो 12वीं, ठीक है। फिर जो क्लाइमेक्स जो अपन स्वर्ण काल के रूप में देखते हैं वो है 17वीं, और 17वीं शताब्दी या 17वीं सदी जो माना है स्वर्ण काल, वो किसने माना है, कार्ले खंडावला ने, ठीक है। कार्ले खंडावला के अनुसार 17वीं सदी जो थी वो स्वर्णिम काल थी, किसकी, राजस्थानी चित्रकला की, ठीक है। उद्गम काल है 12वीं और स्वर्णिम है। नेक्स्ट, अरायस आलागीला, जैसे अपन इसके क्या क्या नाम देखें, अरायस आलागीला फ्रेस्को पणो, ठीक है ना। ये तो अरायस आलागीला पद्धति अकबर व जहांगीर के काल में किस देश से भारत आई, तो वो कौन सा देश है, इटली या रोम से, है ना। इटली, और इटली का जो अपन मध्यकालीन नाम देखते हैं वो है रोम, ठीक है ना। तो वहां से ये कला अपने कहाँ आई थी, ये भारत में आई थी, कब, मुगल काल में, ठीक है। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मुगल काल में आई, कहाँ से आई अपने, कहाँ से आई अपने, अपने आई इटली और रोम से, और कौन लाए, मुगल लेके आए, ओके। आलागीला है ना, अरायस और फ्रेस्को बुनो और पढ़ो, अपने याद रखना, सिकावटी में इसको पढ़ो नाम से जाना जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन कि लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग क्या, कि जैसे छोटे छोटे चित्रों का अंकन करना। भाई एक तो क्या, जैसे आदमी बनाया तो आपने बड़ा बना दिया, एक क्या यूं छोटे में बनाया, ठीक है ना, ऐसे ही छोटे छोटे मतलब कॉम्पैक्ट करी, तो वो क्या, मिनिएचर पेंटिंग कला भारत कौन लाया, मुगल लाए, ठीक है। और इससे पहले अपन देखा अरायस पद्धति भी कौन लाए, मुगल ले आई, मुगल लाए, लेकिन कहाँ से, इटली रोम। इसी तरह से अपन ब्लू पॉटरी देखते हैं तो वो फारस से आई है ना, ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पेंटिंग्स में राग व रागनों का सचित्र व्याख्या किस ग्रंथ में है, तो ये रागमाला नामक ग्रंथ में, ठीक है ना। तो रागमाला नामक ग्रंथ है तो वो सचित्र चित्रण है, उसमें राग रागनी होगा, ओके। नेक्स्ट है, कपड़े पर चित्रांकन कौन कौन से है, फड़ है, पिछवई है, परचित्र है, ठीक है। परचित्र क्या, अपने जैसे लोक देवताओं के बारे में जो वर्णन, उनकी जीवनी का जो चित्रण है वो परचित्र है, जो कि कपड़े पे होता है। तो कपड़े पे क्या हो गया, फड़, पिछवई और परचित्र, ठीक है ना। फड़ और पिछवई अपन ने वैसे हैंडीक्राफ्ट में और देखेंगे,
बाकी इनका किसी चीज से संबंधित है। परचित्र का लोक देवताओं से। और फड़ और पिछवई में, जैसे फड़ तो अपन जैसे अपने जो पंचपीर है उनकी भी है, पिछवई अपने डेडिकेटेड कृष्ण जी पे, और परचित्र भी लोक देवताओं पे संबंधित है। जो इसमें काटा हुआ है पाने, पाने लिखे काटा हुआ है ना। पाने क्या है, पाने एक्चुअली कागज पे होते हैं और वो देवी देवताओं के होते हैं, ठीक है। पाने कभी भी अपने किस पे, कपड़े पे नहीं होते, वो कागज पे होते हैं। जैसे दिवाली का पूजन करते हैं तो दीवार पे चिपकाते हैं ना, जैसे लक्ष्मी जी का पाना। फिर लोक कला चित्रांकन है ना, ये कि ये क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सी कला लोक कला है। तो फड़ है, पिछवई है, सांझी है, पथवारी है ना। पथवारी मतलब अपने माता का चित्रांकन है, पथवारी माता। और बणी ठणी जो है वो लोक कला का चित्रांकन नहीं है, वो तो नारी सौंदर्य का चित्रांकन है, ठीक है। तो इसमें बणी ठणी आंसर नहीं था, बाकी सारे लोक कला के एग्जाम्पल है, फड़, पिछवई, सांझी, पथवारी। बणी ठणी जो है वो नारी सौंदर्य का एग्जाम्पल है, समझ गए ये चीज। फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वैसे हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है लेकिन ये आ गया तो कोई इसमें इशू नहीं है। क्या है कि श्रीलाल जोशी, ये अपने जो फट चित्रांकन है शाहपुरा के अंदर, उसके मान जाने माने एक चित्रकार, मतलब चितेरे रहे हैं श्रीलाल जोशी, आएगा हैंडीक्राफ्ट में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इंटर संबंधित, कि कथन क्या है कि राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक रही है। कारण क्या रहा है, राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से होता है। तो इसमें क्या है, ये दोनों कथन सही है। और कारण जो है ना, ये कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। देखो कथन कारण की क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने होते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। एक तो कथन होता है, एक कारण होता है। जैसे कथन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको डांटा, ये तो एक कथन है कि मैंने आपको डांटा। और नीचे कारण के अंदर लिखा हुआ है कि आपने ये माइक्रो बनाए नहीं, रियाद नहीं की। तो कथन तो क्या, मैंने आपको डांटा। कारण क्या है कि आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, ठीक है। अब दोनों सही है, कहने मतलब अगर इन दोनों के अंदर कोई फैक्चुअल गलती नहीं है, कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है दोनों में, कि पहला तो ये कि मैंने आपको डाटा सही है, साहब फैक्चुअल रूप से सही है। कारण जो है कि आपने होमवर्क नहीं किया, वो भी फैक्चुअल रूप से सही है। तो दोनों फैक्चुअल रूप से सही है। अब क्या जो कारण है, इस कथन की सही व्याख्या है क्या, वो कैसे पढ़ते हैं अपन, इसके इन दोनों के बीच में क्योंकि लगाया जाता है, क्योंकि, क्योंकि है ना। आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे कथन पढ़ेंगे पहले कि मैंने आपको डांटा, ठीक है ना, फिर कारण क्योंकि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। तो अगर क्योंकि लगाने से ये सेंसफुल बन जाता है दोनों, है ना। पहले कथन पढ़ते हैं, फिर क्योंकि लगाते हैं बीच में, और फिर वापस कारण पढ़ते हैं, तो ये जब सेंसफुल एक वाक्य बन जाए दोनों को मिला के, तो इसका मतलब ये क्या है कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है ना। कि मैंने आपको थप्पड़ मारा क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया, मैंने आपको डांटा क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है ना। तो फैक्चुअल रूप से सही है और सही व्याख्या करता है तो आंसर ही हो जाएगा। कोई फैक्चुअल गलती हो जाएगी तो उसमें बोलते हैं कथन सही नहीं है ना। फैक्चुअल रूप से किसी में भी गलती हो जाए, जैसे मान लो कि मैंने आपको डाटा, है ना, अगर इसमें तथ्यात्मक रूप से गलती होती तो अपन बोल देते कथन गलत है, और कारण में जैसे आपने होमवर्क कर लिया होता तो वो कारण तथ्यात्मक रूप से गलत है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में तथ्यात्मक सही है और कारण जो है ये कथन की सही व्याख्या करता है। इस तरह से कथन कारण के क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो कथन क्या है कि राजस्थानी चित्र शैली की विषय वस्तु धार्मिक है। कारण क्या है, राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से उत्पन्न होता है। अब क्योंकि लगा के पढ़ो, क्या है, राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है क्योंकि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से उत्पन्न है। तो सही व्याख्या करी ना, तो इसलिए है कि दोनों सही है, मतलब दोनों में फैक्चुअल गलती नहीं है, वह सही व्याख्या है। सही व्याख्या क्या, कारण कथन की सही व्याख्या। इस तरह से कथन कारण के क्वेश्चन अपन को सही करने होंगे, ओके। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं हवेली चित्रकला। हवेली चित्रकला 19वीं सदी के अंदर आई और कहाँ आई, अपने नाथद्वारा के, ठीक है ना। वैसे तो देखो क्या है, हवेली संगीत जैसे अपन देखते हैं कि 1671-72 के आसपास है। देखो ये सॉरी, ये ना ये 19 नहीं है, ये सो इसको अपन को 17 करना है, 17वीं है, 17वीं सदी की बात है, 17वीं और 18वीं है ना। 1671 के अंदर शुरुआत है इसकी, ठीक है, ये चीज राज सिंह के समय, ठीक है। तो इसको काट के 17 कर देना, क्लाइमेक्स जो अपन देखते हैं चित्रकला का, वो 17वीं, वही 1671 की बात है, ओके। फिर देखते हैं अपन राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं निम्नलिखित है क्या, नारी सौंदर्य किशनगढ़ में अपने देखा, विषय वस्तु की विविधता, जैसे अपने 12 मास राग रागिनी देखा है ना, नारी सौंदर्य भी देखा, शिकार के चित्रण भी देखा, प्रेम कथाएं भी देखी है मारवाड़ जोधपुर में, विषय वस्तु की विविधता। फिर आदर्श हिंदू जीवन परंपरा व वीरता का समावेश, पुरुषों में जैसे अपने आकृति देखी तो वो। फिर क्या, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये क्या राजस्थानी चित्रकला की एज होल विशेषता नहीं है, ये अपन सिर्फ उस्ताद चित्रकारी बीकानेर के अंदर ये विशेषता पाते हैं कि चित्रकार चित्रकार पे अपना चित्र पर अपना नाम लिखते हैं। राजस्थान की एज ए होल
ये विशेषता नहीं रही है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं बताओ। तो चित्रकार चित्र पे अपना नाम नहीं लिखते थे, ठीक है ना, ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, ये केवल विशेष अपने बीकानेर में जो अपन देखते हैं उस्ता कला उसके अंदर थी विशेषता, राजस्थान की ऐसे ओनली थी। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान की किस चित्र शैली में ब्रश का उपयोग नहीं है, नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है ना, ब्रश का उपयोग नहीं है, हाथ और कपड़ा, मतलब हाथ में पकड़ा कपड़ा, हाथ में अपन ने पकड़ा कपड़े को, और कपड़े की जैसे अपन जैसे रुई की दिए के लिए बाती नहीं बनाते हैं अपन, घुमा घुमा के रुई को घुमा घुमा के दिए के लिए बत्ती जैसे बाती बना लेते हैं, उसी तरह से कपड़े को घुमा घुमा के अपन ने ब्रश के रूप में बना लिया और फिर उससे पेंटिंग की जाती है। तो वो क्या, कजली पेंटिंग है। और कजली क्यों, क्योंकि वो रंग के रूप में काजल को प्रयोग किया जाता है रंग में, है ना, तो ये कजली पेंटिंग हो गई, समझ गए। तो कजली पेंटिंग करी किससे अपन ने, किससे, कपड़े से, है ना, और कजली नाम पड़ा काजल। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है अटपटी पगड़ी। ये अटपटी पगड़ी कहाँ की फेमस है, मेवाड़ की। तो जैसे अपन ने देखा था कि मेवाड़ में चित्रांकन में मेवाड़ी पगड़ी है ना, तो मेवाड़ी पगड़ी का अपन जब करेंगे वर्णन तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, अटपटी पगड़ी, समझ गए, ये चीज अटपटी पगड़ी का चित्रांकन मेवाड़ी चित्र शैली। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन की कांगड़ा चित्र शैली का संबंध किस राज्य से है। तो मैंने बताया था पहाड़ी शैली का, है ना, पहाड़ी शैली, तो वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक अध्ययन जो किया तो बताया कि राजपूत शैली के अंदर किस किस का किया, राजस्थान के साथ साथ कांगड़ा, मतलब जो अपने हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी, पहले कांगड़ा प्रदेश ही बोलते थे, शिमला से पहले जैसे कांगड़ा नाम पुराना, ठीक है ना, जैसे अपन ढूंढाड़ बोलते हैं जयपुर को, इसी तरह हिमाचल प्रदेश कांगड़ा प्रदेश का नाम था, है ना। तो कांगड़ी चित्र शैली, इसको पहाड़ी चित्र शैली बोलते हैं, ठीक है, कांगड़ा को। ये किस राज्य से संबंधित है, कांगड़ा मतलब हिमाचल प्रदेश, ऐसे गुरुकुल कांगड़ी जैसे स्कूल है वहाँ अपने हिमाचल प्रदेश में, डीएवी का जो हिमाचल प्रदेश में गुरुकुल कांगड़ी बोलते हैं, समझ गए। तो ये इंट्रो के क्वेश्चंस थे जो आपको पहले वाले जो इंट्रो की फाइल है उसमें जोड़ने हैं अपने को। ओके, फिर अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और जो एडिशनल है वो अपन देखते हैं मेवाड़ के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देवगढ़ ठिकाने का संस्थापक। तो अपन ने देखा था देवगढ़ स्कूल देखी थी, और संस्थापक कौन, डीडी चूड़ावत, मैंने बताया था द्वारकादास चूड़ावत, 1680 में स्थापना हुई और उसमें जो महाराणा थे महाराणा जयसिंह थे, समझ गए कैसे। तो यहाँ पे अपन जैसे जयसिंह करेंगे तो जयसिंह कौन से, ये जयसिंह प्रथम है, ठीक है। तो देवगढ़ ठिकाने के संस्थापक द्वारकादास चूड़ावत, डीडी चूड़ावत। ओके, फिर देखो इसमें चीजें क्या आएंगी, और देखो 16 उमराव ये सारा आगे आएगा। तो देवगढ़ चित्र शैली का प्रारंभकर्ता कौन था, प्रारंभकर्ता यही थे दुर्गादास चूड़ावत। महाराणा कौन, जयसिंह, 1680 के काल में जयसिंह प्रथम, है ना। और ये जो जागीरदार थे ये 16 उमराव में इनकी गिनती होती थी, और एस श्रेणी का ये अंतिम ठिकाना था। 16 उमराव थे टोटल, मतलब एक तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि 16 उमराव का मतलब 16 एक तरह सलाहकार थे मेवाड़ महाराणा के, कोई भी फाइनल डिसीजन महाराणा करता था तो इन 16 उमराव की यस जरूरी थी, एक भी मना कर देता तो वो डिसीजन कैंसिल हो जाता। ओके, ये थे, और ये अपने जो देवगढ़ था ये ए श्रेणी का अंतिम ठिकाना था। ए श्रेणी का मतलब कि महाराणा के बाद जिनकी गिनती आती थी वो इन उमरावों की आती थी, ठीक है ये। और ये जो अपन ने लाखा चूड़ा जो अपन ने देखा है, ठीक है ना, मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर ये उन्हीं के वंशज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सावर व शाहपुरा किसकी उपशैली, किस चित्रकला की, मेवाड़ की। तो शाहपुरा तो अपन ने देखा ये, और सावर एक नाम अपन को और मिलता है, सावर और शाहपुरा, है ना। शाहपुरा ये बिलवाड़ा के अंदर जो अपने अब वर्तमान में एक नया जिला है। मेवाड़ चित्रशैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो देखो ये वैसे क्या है, जैसे इसको नाम को आप पढ़ोगे ना तो नाम क्या है, ये सावग पदी कम मनासुत चुन्नी, है ना। तो देखो ये है क्या, ये श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो मैंने आपको बताया था, मैं बताया था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना, पीके था मैंने, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब इसका क्या है, ये ओरिजिनल रूप है, तो ये वैसे है जैसे आप इसको कैसे आएगा, जैसे तुतला के कोई पढ़े, तो जैसे मान तुतला के श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, उसको थोड़ा सा अपन तुतला के पढ़े तो वो क्या आ जाएगा, वो सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ऐसे नाम आएगा कि नहीं आएगा ये पढ़ने में, ऐसे है। तो ये नाम था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर जो चित्रकार था ये किस चित्र शैली का, ये मेवाड़ चित्र शैली का चित्रकार है मनोहर। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं अजरारी ओबरी। अजरारी ओबरी क्या था, ये विभाग था जो अपन ने देखा था जगत सिंह ने बनाया था, ठीक है ना, जगत सिंह ने बनाया था, और सॉरी ये है ना, ये गलती हो गई है ना, ये जयसिंह, ये जयसिंह ही है, वो जगत सिंह प्रथम नहीं, जगत सिंह प्रथम तो आप आएंगे,
ठीक है ना, ये जैसे ही है तो प्रथम नहीं करना अपन थोड़ा सा। अजरारी ओवरी यहाँ आएगा, अजरारी ओवरी जो था ये जगत सिंह प्रथम, जैसे अपन ने देखा था कि जिनके समय मेवाड़ से चली का अपन क्या देखते हैं स्वर्णिम काल, ठीक है, उन्होंने विभाग बनाया था और उसका हेड कौन था अपने उधर कौन साहिब जी। फिर चोरापन चशिका शैली का किससे मिलती जुलती है, चोरापन चशिका शैली अपने मेवाड़ से मिलती है ना। तो चोरापन चशिका मैंने बिलहण कश्मीर आपको बताया था, तो इस शैली का जो उद्गम है कहाँ हुआ, अपने मेवाड़ में हुआ ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो चोरापन चशिका शैली ये अपने मेवाड़ से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ओके, ये इसमें चीजें थी। फिर नेक्स्ट अपन देखें, ये तो मेवाड़ आ गया, नेक्स्ट अपन देखते हैं मारवाड़ से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।